Hello and a warm welcome to Battleground 2018, our special election series that gets you a detailed analysis of election news and views from the five poll-bound states. I'm Neelu Vyas. Over the next 1 hour, we'll bring you the ground reports, election travelogues, and in our big segment, we will be focusing on the big election talking point of the day. Well, we'll be joined by credible and expert voices. I'm also joined by my colleague, Kavindra Sachan. शुक्रिया नीलू और मैं हूं कविंद्र और बात अगले एक घंटे तक हम करेंगे कि आज जिन दो राज्यों में मतदान हुआ है मिजोरम में और मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज क्या है और ये बढ़ता है या घटता है उसका असर कहां पर क्या और किन मुद्दों के चलते है और यही सब कुछ मिजोरम के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे लेकिन शुरुआत हेडलाइन से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा राज्य की 230 सीटों पर शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा हुआ मतदान शिवराज सिंह और अजय सिंह समेत 2899 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न शाम 5 बजे तक 71% से ज्यादा वोटिंग 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीयत और नीति पर उठाए सवाल भरतपुर और नागौर की रैली में राजस्थान की जनता से की बीजेपी को जिताने की अपील प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई जनसभाओं को किया संबोधित तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में पहली साझा रैली में राज्य की टीआरएस सरकार पर साधा निशाना बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई जगहों पर की रैली और रोड शो तेलंगाना में वोट यात्रा की अगली कड़ी में निर्मल विधानसभा क्षेत्र पहुंची राज्यसभा टीवी की टीम संवाददाता रजत केन ने मतदाताओं से चुनावी मुद्दों पर की बात वारंगल में राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने लिया मतदाताओं को जागरूक करने से जुड़ी चुनाव आयोग की कोशिशों का जायजा और शुरुआत मध्य प्रदेश से जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो चुका है प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आज वोट डाले गए जानकारी के मुताबिक प्रदेश में शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान की खबर है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन जगह जगह पोलिंग बूथों पर जनता अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई 51 जिलों में बने 65,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर वोटरों की भारी तादाद देखने को मिली महिलाओं से लेकर युवा और बुजुर्गों ने मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाया लेकिन कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों में खराबी और उनसे जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद उन्हें बदल दिया गया स्पेशली जब से ईवीएम्स आए तब से इतना सिंपल प्रोसीजर हो गया है अगर उसके बाद भी हम ये अपॉर्चुनिटी यूज ना कर डेमोक्रेसी में ना कॉन्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पार्ट पे नाइंसाफी है कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और एक साधन भी है तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगी कि क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ का परसेंटेज है ही फ्रॉम 19 to 25 ईयर्स ओल्ड पीपल आर मोस्ट इन इंडिया तो अगर हम इसमें मतदान नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं कंप्लेन करने का गवर्नमेंट को 5 साल बाद एक बार हम लोगों को मौका मिलता है अपने प्रतिनिधि को चुनने का तो हम अपने इच्छा अनुसार जो प्रतिनिधि हमें अच्छा लगेगा जो जनता के लिए काम करेगा जनता के हित में काम करेगा उसको हम चुनेंगे मध्य प्रदेश में 250 महिलाओं समेत 2899 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 34 उम्मीदवार मेहगांव और सबसे कम 4 उम्मीदवार गुन्नौर सीट पर बालाघाट विधानसभा की 3 नक्सल प्रभावित सीटों लांजी पारसवाड़ा और बैहर पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई 6,500 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा भी मुहैया कराई गई है जबकि 4,600 मतदान केंद्रों पर
वीडियोग्राफी की सुविधा दी गई। बीजेपी प्रदेश में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद राज्य में लगातार चौथी बार अपनी सरकार बनाने का दावा किया। पूरी तरह 100% हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि केवल वोट नहीं है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बदलने वाला बनाने वाला चुनाव है। आपका एक वोट किसान को पसीने की पूरी कीमत देगा। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के भविष्य सुरक्षित रखेगी, मध्य प्रदेश में हितों की रक्षा करेगी और एक नया सवेरा हाँ आने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 180,000 से ज्यादा सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई। प्रदेश की जनता को अब 11 दिसंबर का इंतजार है, जब चुनावी नतीजे आएंगे। भोपाल से नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। And moving now to Mizoram, where voting has concluded for all the 40 seats in the state. The state's chief electoral officer, Ashish Kundra, said that about 71% votes were cast by the end of the polling. Voters turned out in large numbers to exercise their franchise, including the Brew voters. Congress Chief Minister Lal Thanwala hoping to retain power in the state, even as the opposition MNF claims that it will dethrone the Congress. Take a look. People turned out in large numbers to cast their votes in Mizoram on Wednesday. Men, women, old and the specially abled assembled early in the morning at the 1,164 polling stations. Chief Minister and Congress President Lal Thanwala cast his vote at the Bahutlang polling booth in Azol. Mizoram, every two terms they change the government. Yeah. So are you going to... I'm going to break the jinx. So why? How? What is the... Because of our good work. Mizo National Front Chief Zoram Thanga cast his vote at the Ramlun Wenglai booth. Considered the main rival of the Congress, the MNF chief said his party will unseat the ruling Congress party because of their latter's non-performance. Not because it is a two-term, but because of the performance of my party and then the failure of the Congress government, that we hope we will be able to form the government this time. People have different issues in their mind when they come to vote, but the very fact that they are turning up in large numbers behind me shows the strength of democracy in the far eastern state of Mizoram. While some spoke of what they expected from their legislators, others were not so forthcoming. There are 32,545 first-time voters this time, most of whom list better education, jobs and roads among their expectations. I like to have new form of government. Okay. Not all outdated food, but new food. Want not like the old ones, but the new development for our country. Mizoram lies in the easternmost part of India, touching borders of Myanmar and Bangladesh. It also touches the borders of Manipur, Tripura and Assam. Elections in the state have always been peaceful, thanks to the efforts of social organizations like the Mizoram People's Forum. Akhilesh Suman's report for Rajya Sabha TV. और मिजोरम के बाद रुख राजस्थान का, जहां पर चुनावी रण अब हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। पार्टियों के स्टार प्रचारक एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में दो चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। पार्टी के प्रत्याशियों ने दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित कल्याण के लिए सरकार की सरकार को रिपोर्ट दिया। तो राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। विकास के नारे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं है, ये सपना है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कल्याण का, ये सपना है
भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजित करने का। हम इस सपने को लेकर काम कर रहे हैं। भरतपुर की रैली में भी प्रधानमंत्री कांग्रेस की नीति और नियत पर जमकर बोले। उन्होंने माओवादियों और नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में साफ करने की अपील की। राजस्थान में प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आमेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने टोंक, लामकला और अलियाली में जनसभाओं को संबोधित किया। सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार अशोक गहलोत ने भी लगातार चुनावी सभाएं की। उन्होंने माचड़ी, रामगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा अशोक गहलोत ने वैर और भरतपुर भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। And moving on to Telangana now, where Congress Chief Rahul Gandhi and TDP Chief N. Chandrababu Naidu shared the dais on Wednesday at their first joint public rally in support of the candidates of the Prajakutami or the People's Alliance. Now, this is the first time the two leaders have shared the stage since coming together to form a non-BJP alliance. The other two parties in the alliance are the CPI and the Telangana Jan Samiti. In his address, Rahul Gandhi mounted a scathing attack on the ruling TRS, calling it the B team of the RSS and BJP. He asserted that after winning in Telangana, the alliance will defeat the BJP in next year's Lok Sabha polls as well. ये जो public meeting है, ये Telangana की राजनीति और देश की राजनीति के लिए ऐतिहासिक मीटिंग है। और तेलंगाना के चुनाव जीतने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव जीतने के बाद यही गठबंधन दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम करेगा। पहले तेलंगाना में हम नरेंद्र मोदी जी की बी टीम से लड़ेंगे और उनको हराएंगे। So there you heard Congress President Rahul Gandhi talking about the grand alliance which his party and along with TDP Chief N. Chandrababu Naidu, which is being formed. And today, in fact, was the first time that the two parties came together. And for more on the developments in Telangana, I'm joined by our correspondent Rajat Ken, who's been in Telangana for a long time. Rajat, for the first time we saw N. Chandrababu Naidu and Rahul Gandhi coming together. What is the sense you're getting from the ground as far as the credibility of this People's Alliance is concerned? Is it really palatable to the people, or people would really go with the development strategy of the TRS as is being projected? Thanks, Neelu. There is a bit of a dichotomous reply to that. First being the fact that there is a sort of a groundswell for the opposition, as one could see in the state, as there is a buzz of the campaigning of the opponent party, and they're sensing that the contest happens to be much more tighter than possibly it was a month ago when it was all written on the wall that TRS is winning the state. Now, I've been touring the northern part of Telangana, and there is a mixed. There are people who are saying KCR has fantastic image, there has been development work, they're really praising his pension scheme for the BD workers and other working class, they're praising his other social sector schemes. At the same time, there are developmental issues some of the MLAs are facing anti-incumbency. That's right. One thing. Secondly, primarily talking about the opposition unity now, we have to understand that Congress and TDP alliance for last beg your pardon month. For that audio problem which is there as far as the connections with Rajat are concerned. But as he was saying, that the Mahakutami or the People's Alliance is really giving a tough fight
to the TRS. Remember, TRS and Chandrasekhar Rao had dissolved the assembly, hoping in the hope that he would come back to power. But as of now, the things stand that the Grand Alliance is giving a tough fight to TRS. We'll come back to Rajat Kane maybe in a bit. But moving on now, despite a Supreme Court order, people of the third gender are still struggling to get their right. Their struggle with day-to-day life, apart the community, has political representation. Now a new grouping has been formed in Telangana in a bid to awaken the society and ensure the rights of the third gender. The party Bahujan Left Front has fielded a transgender Chandramukhi in the elections this time. Our correspondent Ravindra Shaura with the details. A new force has emerged in Telangana. 28 organizations have joined hands and formed the Bahujan Left Front or BLF. The party represents diverse social groups and progressive thought processes. Reflecting their agenda, the Bahujan Left Front has fielded Chandramukhi, a transgender from Gosha Mahal constituency, for the upcoming polls. A representative of the third gender, Chandramukhi is part of a section of society that has been neglected for long. मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम लोग भी जाके राजकीय व्यवस्था में बैठेंगे तो हम लोगों का काम होगा और हम लोगों का भी एक वजूद ठहरेगा कि ट्रांसजेंडर्स भी है इस दुनिया में. With an intention to work for the welfare of the society, especially the community to which she belongs, Chandramukhi hopes to break the barrier and get elected. Born a male, Chandramukhi underwent a sex change operation 15 years ago. Her candidature this time has rekindled the hope of many like her. हमें पूरा आशा है और उम्मीद है कि वो सभी लोगों के लिए और खासकर गरीब पिछड़े लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वो जरूर न्याय करेंगी. जो बात करने के अलग है, उनका तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन रहे ना वहाँ पे, उन लोगों की मसाइल के ऊपर वो लोग भी बात करके जद्दोजहद करे तो वो सही रिप्रेजेंटेशन होता, इसलिए जो है हम लोग जो है उनको चुन के जो है टिकट दिया गया. In Gosha Mahal constituency, there are about 2.5 lakh voters, including 2,000 registered voters of the third gender. The Bahujan Left Front, supported by CPM, has become an icon for the backward and other socially backward classes. BLF has not only fielded Chandramukhi, but has also allotted Narayan Kher to Basravaj, a physically handicapped candidate. This has garnered a lot of public attention. Ravindra Sharon's report for Rajya Sabha TV. और अब बात वोट यात्रा की. हमारे रिपोर्टर्स लगातार जमीन पर जाकर ये देख रहे हैं कि असल में जो राजनीतिक दल हैं वो किन मुद्दों को जगह दे रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनावी रैलियों पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन उससे अलग जमीन पर मतदाता के मुद्दे क्या हैं. और ऐसे ही मुद्दों को टटोलते हुए राजस्थान और तेलंगाना में हमारे संवाददाताओं ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की. तो आइए चलते हैं वोट यात्रा में और देखते हैं इन दोनों ही राज्यों में क्या है जनता के मुद्दे. आरएसटीवी वोट यात्रा को अजमेर से शुरू करके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए इस क्रम में हम लोग आज उदयपुर पहुंच गए. इलाके के प्रबुद्धजन हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुद्दे, मुख्तलिफ मुद्दे हैं जिनमें इस बार चुनाव लड़ा जाएगा. पर्यटन की हम लोग बात करें तो पर्यटन के लिहाज से क्या आपको लगता है कि जो सरकार गई है उसने काफी अच्छा काम किया है? पर्यटन की दृष्टि से विगत 5 वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार ने यहाँ बहुत काम किया है और मैं कहूँ कि अतुलनीय कार्य हुए तब भी अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर्यटन को जल, थल और नभ तीनों से देखा जाता है. नभ पे तो निश्चित रूप से सड़कों का जो जाल बिछा है, हम पहली बार चेन्नई से उदयपुर, उदयपुर से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद और उसके बाद पूरे देश से जुड़ता है ये 6 लाइन के माध्यम से सड़कों का जाल आपको पूरे रोड पर दिखाई देगा. सड़क तंत्र सबसे बड़ा मजबूत हुआ है
कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त बढ़ी है, इसके कारण से टूरिस्ट बढ़ने की संख्या बढ़ी। अगली सरकार जब आए 5 बरस के लिए तो वो किस तरीके से और सुधार करे? निश्चित रूप से आने वाली जो सरकार है उससे हम ये कामना करेंगे कि जो सरकार आए वो शहर को एक हरितिमा में रहे, उदयपुर की जो हरी भरी पहाड़ियां रहे, आने वाले शहर के अंदर सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैं किसी अच्छे शहर में जा रहा हूँ, किसी अच्छी व्यवस्था में जा रहा हूँ। यहाँ के जिले जो हैं उनके तट जो होते हैं, वो जिलों की जो हमारी पाले हैं उन पालों को हेरिटेज लुक में लाया जाए, उन जिलों के अंदर अच्छी नावों का डाला जाए, और एक तरह से ये जो प्रकृति का जो एक सुरभ्य एक कल्पना है, अलौकिक जो एक दिमाग के अंदर एक कल्पना है, वो कल्पना को साकार करने के लिए वो सरकार प्रयत्न करे, और जिससे कि आने वाला प्रत्येक पर्यटक जो देश और विदेश से आता है वो एक बार सीधा मन लगा के आए कि मैं जाऊं तो सीधा मेवाड़ उदयपुर में जाए। कानून व्यवस्था के लिहाज से उदयपुर के बारे में कुछ इस तरह की बातें अखबार में पढ़ने को मिली कि यहाँ पर उस कानून व्यवस्था की तरफ कम ध्यान दिया गया, क्या आप रोजमर्रा के जीवन में इस तरह की कुछ तकलीफें आपको भी देखने में आई? देख, महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि उदयपुर शहर के अंदर कानून व्यवस्था अभी वर्तमान में बहुत अच्छी चल रही है। पुराने आंकड़ों के बनिस्पत देखें तो घटना दुर्घटना चेन स्नेचिंग की बलात्कार की हर तरह की घटनाएं पिछले कालों 5 सालों की अपेक्षा में अभी बहुत कम हुई है। व्यवस्था कानून व्यवस्था उदयपुर शहर की बहुत अच्छी है। खूबसूरती कुदरत ने तो दी है उदयपुर को, लेकिन साथ साथ यहाँ के लोगों के दिल है वो भी बड़ा खूबसूरत है, और इसी वजह से शायद हर साल सैलानियों की जो तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से जिन्होंने पर्यटन उद्योग के बारे में किस तरीके से उसको विकसित किया जाए, किस तरीके से पिछली सरकारों ने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, और कैसे ये एक बड़ा रोजगार उन्मुखी उद्योग बन सकता है, उस पर अलग अलग विचार यहाँ के प्रबुद्धजनों ने रखे। उदयपुर से कैमरामैन दिलीप मैती के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। Beyond the cacophony of election campaigns of the political parties, in this edition of RSTV Vote Yatra, I'll get you up to speed with the digital technologies driving the poll process. Come along as I discover how the Election Commission of India is leveraging the digital push. The Election Commission swung into action after the early dissolution of the Telangana Assembly. India's youngest state is deploying several technology applications for the first time to nail violation of the model code of conduct. Firstly, the officials apprised us about the ERONet. It is a web-based application where people can register for a voter ID. Through just an OTP, voters can get a voter ID modified and previous voter ID gets automatically deleted from the records and a fresh one is generated. ERONet has been designed by the Election Commission and it is being rolled out for the first time, you know, for us now. We are getting to use it for the first time, and being an election-bound state, it has helped make the lives of electoral registration officers much easier. Now we are able to monitor everything from A to Z regarding electoral registration process. We also visited the camps organized to give hands-on experience to the people on EVM and VVPAT, especially to familiarize them on the use of VVPAT for verifying their vote. So let me try my hands on this VVPAT machine. So, sir, is this machine ready? Yes, it is ready. It is ready? Yes, we have pressed. And this green light is ready? Green light. So now these are the candidates, and I can press, and I can vote for my favorite candidate. So, for instance, if I'm pressing K, the candidate K, so I've pressed K, and in this VVPAT machine, I'll have the display. So I have this display, which clearly mentions K, and that slip is going to be in front of me for next 7 seconds, clearly displaying K. So, yes. My vote has been verified, that I've voted for my favorite candidate, and that has been verified by the VVPAT. For the political parties seeking permissions for the use of helicopters and posters and for holding public meetings, a single window clearance system, Suvidha, has been launched, which would respond and resolve requests or queries within 24 hours time frame. We also saw the movement of flying squad being tracked by the election officials with the help of global positioning system devices. We have an online dashboard where we can monitor all the vehicles at a time on a map.
we can see where our vehicles are moving in the city, and exactly we can spot each and every vehicle of our corporation vehicles, and we can have a route map of each vehicle, where from vehicle has started from the morning to evening, 24/7 we can monitor. Historically, the commission has been consistently adopting newer tools with the evolution of technology, and the Digital India campaign has given it a favorable push to ensure transparent, smooth and fair electoral process. Maximizing the use of digital technology in the poll process is a welcome step and is in spirit of constitution of holding free and fair elections. I'll get you other election related highlights from Telangana in RSTV Vote Yatra. But for now, it's goodbye from camera person Jitendra Negi and Kruti Mishra from Telangana. Election fever has hit the roof in Telangana and quite literally in Nirmal district, at the northwestern part of the state, where the incumbent TRS is facing stiff challenge from the Congress and the BJP. While Congress is in alliance with TDP and two other parties, BJP is contesting alone, and both the parties are quite confident of breaking the stronghold of the TRS. But TRS claims it's the work and the report card that will sail them through in the district. Telangana Rashtriya Samiti workers crisscrossing the streets of Nirmal, defending their stronghold, where they hold all three seats. Highlighting the achievements of the government, the local MLA and the minister in KCR government, A. Indra Kiran Reddy, claims Congress TDP alliance is no threat. Telugu Desham, ye Congress milne ke baad, hamare youth mein josh zyada ho gaye, phir Telangana ko inhone ka problem karte bolke, hum log dur rakhne ke waste hum koshish kar rahe, BJP to कोई इतना उतना कोई मतलब ही नहीं है. हम दोनों पार्टी को अभी तक हम कोई लिस्ट में नहीं देख रहे. TRS got a shot in arm with MIM supporting the incumbent in the region where they have sizable influence. चार साल के अंदर मुसलमानों को जो फायदा पहुंचाया गया है इस हुकूमत से, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे हाईकमान ये इंस्ट्रक्शन दिया कि निर्मल के अंदर बोलकर पूरे तेलंगाना के अंदर भी हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया कि TRS को मदद करना है. The constituency which may see a straight Congress-TRS fight has of late seen allegation and counter-allegations. TRS one way is in touch with BJP, the other way it is sailing with MIM. And it is surprisingly how the BJP, MIM and TRS could sail together. And he has made false allegation saying that I made him stop, I tried to make him stop and I offered him around 25 lakh rupees to stop him. It was surprisingly news for us. Then I have took it seriously and I have challenged that if you have any evidence that either I try to stop him or he has any other recordings or whatever the evidences if he had. But BJP too believes it is in the game purely based on the claims of its performance at the center. आप सब लोग भी देख रहे होंगे मोदी के जितने schemes चल रहे, जितने भी development programs चल रहे, ये सब central से ही है. जैसे हम लोगों के पास यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में KCR किट का जो चल रहा है 12,000 बोल रहे हैं वो लोग, KCR बोले वो दे रहे हैं पर 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं. स्वच्छ भारत के जो बाथरूम्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो भी पूरा सेंट्रल से है. या आज के देखो रोड्स होने दो या ग्राम पंचायत होने दो, ये पूरे फंड्स भी सेंट्रल से ही आ रहे. ये मैसेजेस आज तक लोगों में कोई पहुँचा ही नहीं, तो इस बार हम लोग ये सब जो डेवलपमेंट स्कीम्स है घर घर लेके जा रहे हैं. विद कैमरा पर्सन एम एस सुरेश, रजत केन फॉर राज्यसभा टीवी. So of the five poll-bound states, the polling is over in Chhattisgarh, and today the polling has got over in Mizoram and Madhya Pradesh. Two states more left for the polling on December 7th, and we'll keep getting you the vote yatras from various other cities and districts. Time now for a short break. On the other side, we get you our discussion on the big story, and that is the polling in Madhya Pradesh and Mizoram. Don't go away. We'll be right back.